लगी चित्तम कर्मकांड, कर्मकांड में कैसे कहा गया, देखो चित्र या जगे तो पशु काम कार्य जगे वृष्टि काम पुत्रष्टि का पुत्र काम पुत्रष्टि जगेत, इस प्रकार वाक्य मिलते हैं इत्यादि वाक्य, अलग अलग अधिकारी अलग अलग नियोज्य, नियोज्य मतलब विधि वाक्यों को सुन करके विधि वाक्य के द्वारा ये नियुक्त हो गया। विधि वाक्य में दो भाव है, एक है शाब्दिक भावना एक है आर्थिक भावना। विधि वाक्य को सुन करके शास्त्र बोलते हैं अहर अहर अग्निहोत्र रोज रोज अग्निहोत्र जाप को करना चाहिए। विधि वाक्य को सुन करके सबसे पहले मन में देखो शास्त्र जो धर्मी धार्मिक है तो शास्त्र मेरे लिए इस कर्म का विधान किया है इसलिए मुझे ये कर्म करना चाहिए। ये आर्थिक भावना एक शाब्दिक भावना, शब्द सुन करके आपको ज्ञान होता है, शब्द को ज्ञान तो कम न पुकारो कम, शब्द केवल मंत्र बोध कराता है कि तुम्हारे लिए कर्तव्य है। और आर्थिक भावना होता है क्या होता है, मुझे तभी आपको करना चाहिए, उससे मुझे लाभ मिले। जैसे एक बच्चे माँ अपने काम करती है, एक बच्चा दूर में सुना हुआ है, बच्चा रोता है तो माँ को आवाज़ सुन करके बच्चा रो रहा है, बच्चा चाहता है कि मैं उसके पास जाऊँ। सूर्य ने इसको विधान किया कि मैं सूर्य चाहती है कि मैं इस काम को करूँ, मैं मुझे बच्चे जब बुलाता मुझे जाना चाहिए, तब क्या करता है आर्थिक भावना, मैं जाऊँ। ठीक ऐसे सूर्य बाप को सुन करके हमारे धार्मिक पुरुष के मन में ये भावना होती है, इसको बोलता है नियोजक विधि बाप। जो जिसको नियुक्त हो गया नियोजक, जिसको नियुक्त हो गया नियोज्य, नियोज्य तो जिसको कर्म में नियुक्त किया था नियोज्य, क्योंकि शास्त्र जो हमारे लिए इस कर्म को विधान किया तो इसलिए मुझे इस कर्म का आर्थिक भावना करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से विधि बाप को सुन करके अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार की भावना होता है, अलग अलग कर्म में प्रवृत्त होता है, इसलिए व्यक्ति जीव अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। किसी को मन में लगती है इस पढ़ने की टिकट हमने पढ़ लिए थे ना, ना मन मुझसे पहले इस पढ़ने का टिकट पढ़ लिए है ना, तब ओदनम पचती कि भविष्य वृत्तिया तंडुलेशु ओदनत्वर्गोनम देवना मुख भेदा वेदांतम श्रुति योजते। श्रुति मुख को वेद कहना युक्ति संगत नहीं होता, कभी श्रुति अपने यहाँ आगे जाकर के भेद को निषेध करते हैं। पढ़ लिए थे कल इस पंक्ति को, 10-11-12 तीनों भी पढ़ लीजिए, दोनों आरोपित मुख्यान अनारोपित भेद प्रतिपादक मुख्य भेद मुख्य भेद नहीं हो सकता, आरोपित भेद तो सूर्य को। अब देखिए यहाँ पे आगे न केवलम अस्माभिः उत्प्रेक्षितम इदम किंतु श्रुत्या अपि दर्शितम इति अपेर अर्थ, ठीक है ना, कि भगवान भाष्यकार की पंक्ति में जानो श्रुत्या अपि श्रुति के द्वारा भी पूर्व मीमांसा दर्शन बोलते हैं। अरे आप ये भी सोचते हैं कि मैं अपने दिमाग से ये बनाया, हमने श्रुति के सहारा लेकर के ही इसको बनाया है ना, इसलिए हमें बोलते हैं कि हमारी मनोकल्पित नहीं है। पूर्व मीमांसा दर्शन ये कहते हैं कि ये उत्प्रेक्षा मात्र नहीं है, न केवल अस्मा भी उत्प्रेक्षित मेरे द्वारा हम लोगों के द्वारा इसको एक ऊपर से कर दिया गया ऐसा नहीं है, किंतु श्रुत्ता अपनी श्रुति के द्वारा भी इसी को प्रतिपादन किया जाता है, क्या भेद को प्रतिपादन किया जाता है, तुम ये हो तो तुम्हारे लिए कर्म है, तुम ये हो तुम्हारे लिए कर्म, अलग अलग भेद देकर तो शास्त्र भेद प्रतिपादन करता है कि हमारे बुद्धि का भेद नहीं है। ये पूर्व पूर्व दर्शक है दर्शन अपे अर्थ, ठीक है ना, अभी अव्यय होता है, अभी का रूप नहीं चलता, यहाँ पे अपे इसका कैसे रूप चला नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, अब ये कौन सा विभक्ति होगा, अब पश्चिम में तो सकते, यानी कि अपिशब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे अपि शब्द को बोध कारण है, शब्द अर्थ को, यदि शब्द अर्थ को बोध कारण होता है तब उसको अव्यय हो जाता है। आज जब केवल शब्द को बोध करते हैं हाँ, जब शब्द हो जो होता है तब वहाँ पे जो है आपका इस प्रकार त्रेस त्रय त्री को त्रय आदेश हो जाता है, तब बोलते हैं आपने यहाँ पे त्री को तो एक बचन में कैसे प्रयोग कर दिया, त्री शब्द है त्री के स्थान में त्रय और एक स्थानीय एक आदेश किया हुआ शुक्र आता केवल लोगों में
तो वहाँ पे आपने तीन तो नित्य भोग वचन प्रयोग होता है, आप एक वचन में कैसे प्रयोग करते हैं? तो पहले तो जंतु जब बोलता है जहाँ पे तीन का अर्थ के रूप में प्रयोग है वहाँ नित्य भोग वचन होगा। हम केवल केवल मतलब शब्दों को समझाना चाहिए कि तीन स्थानीय स्थान में त्रय आदेश हो जाता है। आपके पास सूत्र समझाने के लिए द्वारा भी दर्शित अभी सूची के द्वारा भी ऐसा लिखा है ये अपि का अर्थ है। ये अपि का अर्थ है भेदं बदन्तः श्रुतेः तात्पर्य लिंगम अभ्यासं सूचयति। ये देखिए कल हम इसको लेकर के बोलेंगे गच्छन्त्यः बदन्त्यः बदत होता है पार्टिसिपल जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तब क्या जाएगा बदंती नुमान हो जाते हैं बदंती उसका षष्ठी योग बदंतः श्रुतेः ऐसा बोलती हुई वेदम बदलता सूचना श्रुति आगे है ना इस प्रकार बोलती हुई श्रुति का ठीक है बोलती है पार्टिसिपल है जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है पार्टिसिपल तब दोनों नामों में करे भी कर जगत जगत जगती गुरु मध्य ऐसा तो यहाँ पे भेदम बदलता श्रुति भेद को बदलाती हुई श्रुति का तात्पर्य लिंगम अभ्यास सूचय तात्पर्य लिंग तात्पर्य लिंग निकालने के लिए लिंग क्या है अभ्यास भी लिंग होता है तात्पर्य को निकालने के लिए अभ्यास भी लिंग होता है तो वो भी अपने पक्ष में मतलब सूर्य भेद कहना चाहती है इसके लिए हमारे पास लिंग है क्या लिंग अभ्यास लिंग है इसलिए बोलते हैं भेद बदंत्या सूर्य तात्पर्य लिंगम अभ्यास भेद की बदलाती सूर्य का भेद में तात्पर्य है कहाँ से पता लगा वो तो अभ्यास लिंग से अभ्यास लिंग से पता लगा जैसे आपको जो तत्वमसी विद्या में तत्वमसी में अभिन्नता प्रतिपादन करा कैसे पता लगा वो तो अभ्यास लिंग से नौ बार तत्वमसी तत्वमसी को यदि ऐसा है जो अभ्यास लिंग भी उसी को प्रतिपादक मंत्र जब यहाँ भी देखो हमारे पक्ष में देखो भेद को प्रतिपादन करने वाले अभ्यास लिंग हमारे पास भी है इसलिए बोलते हैं भेदम बदत्ता श्रुति तात्पर्य लिंगम अभ्यासम श्रुति यदि इसलिए उसको कामना करते हैं वो व्यक्ति इसको कामना करते हैं इस प्रकार के श्रुति भक्त है इदम काम अध काम अनेक अनेक प्रकार से वासनाओं की भेद दिखाते हुए यहाँ पे जाए भेद को प्रतिपादन करते अभ्यास के रख काम भेदतः इदम काम अदर काम इति ठीक है भाई श्रुति ने जीव में कर्म कांड से जीव में भेद प्रतिपादन होता है ईश्वर के साथ भेद प्रतिपादन आप तो जीवात्मा आप क्या मानते हो जीवात्मा परमात्मा में भिन्नता है और जीवात्मा में आपस में भिन्नता है तो जीवात्मा ने आपस में भिन्नता के कारण दिखाने के लिए आपने सूर्यवाद को क्या अभ्यास में इदम काम अधर काम इंद्रिय कैसे कामना करते हो उसको कामना करते हो सर्व चाहता है कोई पति चाहता है कोई धन चाहता है कोई स्त्री चाहते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग काम है इसलिए जीव में भेद है ऐसा मानना ईश्वर के साथ भेद है ये कैसे निर्णय करो तो देखो आगे सदाधार पृथ्वी इत्यादि मंत्र वर्ण ही और परमात्मा से ईश्वर का भेद हिरण्यगर अलग है नरसा वो हिरण्यगर हो समवर्तता जो अलग जीव का काले कर हिरण्यगर में ईश्वर का जो भिन्नता नहीं है और वो क्या किया जीव को पृथ्वी और दिव्य पृथ्वी को धारण नहीं कर सकते थे अपना कहीं नहीं धारण कर सकता तो नहीं करता इसलिए जो इसको धारण किया हुआ है वो ईश्वर है हिरण्यगर का जो है दिव्य से भिन्न है ऐसा करके आते हैं कर्मकांड और उपासना कांड में 80,000 और 16,000 मंत्र
यानी कि 96,000 मंत्र है, लगभग 1,00,000 मंत्र वर्तमान में प्राप्त हो गया। उसमें कर्म और उपासना की प्रतिपादन करने वाला यहाँ पे वेद प्रतिपादन करने वाले मंत्र होता है 80,000 और 16,000 मंत्र उपनिषद में 4,000 मंत्र। अब जब एक तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, इसलिए एक इस पक्ष में तो एक मंत्र अधिक है। उसके बाद क्या ठीक है, यदि दोनों बलवान भी होगा तो जब एक ही शक्ति का तात्पर्य, एक ही तात्पर्य निर्णय सैनिक में भेद दिखाई पड़ते हैं तो अभेद दिखाई पड़ता है, तो तुम्हारी अभेद ही परमात्म होगा, ये कमजोर होगा, ये कैसे निर्णय करते हैं, ये कैसे कैसे। ये बोलते हैं तत्र कथम कर्मकांड वाक्य विरोधे, कर्मकांड वाक्य के साथ ज्ञान कांड की वाक्य का विरोध होने के विरोध होने के कारण ज्ञान कांड वाक्यर्थस्य ज्ञान कांड में भी तात्पर्य निर्णय से ज्ञान कांड की वाक्य में एकत्र वही बलवान है, सामंजस्य पूर्ण है, वही युक्ति संगत है, ये कैसे तुम निश्चय कर सकते, ये तुम कैसे निश्चय कर सकते। तुम्हें तो देखना पड़ेगा, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। मतलब देखिए दो नंबर टिप्पणी तत्र तत्र मतलब एकत्र अनेकत्र वेदार्थत्व एक वेद के दोनों जगह पर अर्थ प्रतिपादन करते हैं, उपनिषद में आगे एकत्र प्रतिपादन करते हैं और कर्मकांड में भेद प्रतिपादन करते हैं। तो जब दोनों ही भेद के विषय है तो ये बलवान है अथवा ये सामंजस्यपूर्ण है ये असामंजस्यपूर्ण, ये कैसे कह सकते, ये कैसे कह सकते। उसके बोलते हैं तत्र तत्र मतलब एकत्व अनेकत्व उभयोरपि वेदार्थत्व तत्र सप्तम अर्थ था, दोनों ही वेद का प्रतिपादन होने के कारण आप ये बलवान है अथवा ये सामंजस्यपूर्ण है ये असामंजस्यपूर्ण, ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे कह सकते हो। तत्र शब्द का तीन नंबर टिप्पणी बोल रहा है कर्म का कर्म ज्ञान कांड वाक्य विरोध, कर्म कांड और ज्ञान कांड का वाक्य में विरोध है, एक भेद प्रतिपादन करते आप इसे सिद्धांत के अनुसार, एक जो है अभेद प्रतिपादन करते हो। पूर्व में उसका प्रश्न इस मामले में अच्छे हैं, उसने क्या बोला कि 80,000 और 16,000 मंत्र मिल करके जब भेद प्रतिपादन किया, इसीलिए जो कहते 4,000 मंत्र है ये अर्थवाद है, कर्म विधि के साथ मिलकर अर्थवाद हो जाएगा, युक्ति संगत हो जाएगा। मतलब कर्ता की स्तुति के लिए आया हुआ है, तो इतना बड़ा है, तो इतना महान है, तो बड़े बड़े काम कर सके, तो उसे कर ले। पूर्व मीमांसा दर्शन उपनिषद भाग को अर्थवाद रूप में मानते हैं और वेदांत कर्म कांड का इसलिए मानते हैं अंतकरण शुद्ध, मतलब उपनिषद भाग में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्म कांड को प्रयुक्त सिद्ध कर दी। एक ने अर्थवाद कर अर्थ को मत ढीला कर दिया और इसने इसके बिना यहाँ पे प्रवेश नहीं हो सकते, इसलिए इसका कुछ नहीं, इसलिए इसको पहले भी रखता है। और क्योंकि योग्यता प्राप्त होने के बाद काम अधिक नहीं रहता, योग्यता प्राप्त करने तक मन में मेहनत अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर कर्म नहीं करता। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से कर्म ज्ञान कांड वाक्य विरोध है। तीन नंबर टिप्पणी कर्म ज्ञान कांड की तत्व ज्ञान कांड उपनिषद गत अद्वैत प्रकरण मुक्ति सृष्टियादि वाक्य वर्जन इति भाव, या कर्म और ज्ञान का उसमें ज्ञान कांड में उपनिषद गत जो अद्वैत प्रकरण वहाँ पे जो कथन किया सृष्टि आदि, सृष्टि में तो भेद दिखाई पड़ता है, सृष्टि में सारा तात्पर्य नहीं है, उसको छोड़ कर जो उपनिषद का जो वाक्य है उस वाक्य में जो एकत्रीभूत कराते हैं इसके लिए। इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको कर्म ज्ञान कांड के वाक्य तात्पर्य पूर्ण सामंजस्य और कर्म कांड के वाक्य सामंजस्य और अर्थशाली नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं। इस प्रकार शंका होने पर तब आगे बढ़ते हैं अत्र पूछते आपके प्रश्न के उत्तर में हम ये कहना चाहते हैं जब दो इमानि भूतानि जायन्ते ये तैतृय उपनिषद तीन एक ठीक है, जिससे ये सारा संसार की सृष्टि होती है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतम्, और उस आत्मा का उस ब्रह्म का तो आत्मा का जो है जो तटस्थ लिंग दिखाए, तटस्थ लिंग क्या है तो वा इमानि भूतानि जायन्ते यत्र जातानि जीवन्ति यत्र जन्ति तटस्थ लिंग एक ये बोला। अच्छा यथा अग्निर्चुद्वा विश्वलिङ्गः, देखो किस प्रकार की सृष्टि वाक्य आया हुआ है, ये सृष्टि वाक्य से आपको क्या दिखाई पड़ता है, जब तो अभिमानी भूतान जिससे सारे भूत की उत्पत्ति होती है, फिर परंतु हमारे सिद्धांत क्या है, अरे जिससे उत्पत्ति हुई है भूत उससे भिन्न नहीं है, भूत उसका स्वरूप है, जो घर मृतिका से घरा उत्पत्ति हुई है वो घरा मृतिका से भिन्न नहीं है, वो मृतिका रूप है, ये हमारे अभिप्राय है, और उनको क्या सृष्टि में तात्पर्य भेद नहीं बोलते। अतिम श्रुति आगे जा करके अपने आप ही इसका निषेध कर देते, अपने आप ही इस भेद का निषेध करते निंदा करते,
2:1 जिससे जो है सारा समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यथा अग्निश्वरिंग अग्नि से विष्कुलिंग चिंगार या निकाल के आते हैं चिंतन किया, विचार किया, मैंने क्या चिंतन किया कि मैं एक हूँ, अनेक को प्राप्त करो, अधिक क्या किया था तेज अस्थिर है, उस सब ने अपने को तेज रूप में विवर्तित किया, माया अनुसार इत्यादि इस प्रकार से उत्पत्ति अर्थ उपनिषद वाक्य उत्पत्ति को विषय करने वाली उपनिषद वाक्यों से प्राप्त इससे पहले पंचमोवचन वाक्य इस बात को आने से पहले पृथकतम जो अलग अलग जीव को अलग अलग करके दिखाया कर्मकांड प्रकृति का कर्मकांड में जो भाग है जब यानी जो भाग है तब न परमात्मा को परमात्मा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता आगे श्रुति स्वयं निश्चित कर देते हैं सृष्टि श्रुति में सृष्टि दिखाना अभिप्राय नहीं है सृष्टि कर्ता को दिखाना अभिप्राय है और एक ही कारण से उत्पन्न हुआ सो सभी में एक ही उसको विद्यमान है इसलिए बोलते हैं जो तब न परमात्मा किंत ही वो कैसा है गौण मुख्य अर्थ नहीं हो सकते गौण अर्थ है यह हम पहले भी बोलकर आया घटाकाश से महाकाश इव पूरी से बोलते हैं महाकाश घटाकाश आदि भेदवत इस प्रकार महाकाश में घटाकाश का उदय होता है और घटाकाश महाकाश में लय कर जाते हैं महाकाश में घटाकाश के उदय भी होता है महाकाश में घटाकाश के उदय भी होता है यदि आप देखेंगे आप बताइए पूरा आकाश में एक घड़ा है घटाकाश कैसे है हमको तो लग रहा है जमीन भी हमारे होते चैतन्यमय सागर चैतन्यमय सागर है विधान जीव जो है ये शरीर जो है इस प्रकार फिश एक्वेरियम में मछलियाँ तैरते रहते हैं इसी प्रकार चैतन्यमय सागर में कुछ शरीर जो है इधर उधर तैरते हैं और वो भी एक बार में बाकी तीन बार तो इतना शुक्र पाँच वर्ष विश्व इसलिए महाकाश घटाकाश आदि भेदभाव जिस प्रकार कोई गुरु बोलते हैं तथा ओढ़ना बचते यदि भविष्य तत्वज्ञ से आगे क्या करना है कि हाथ बनना है तो इसीलिए पहले क्या बोलते हैं कि हाथ बना रहे हैं बना कर चारों को रखना है आगे एकत्व को बोलना है और एकत्व को समझाना है इसीलिए क्या किया पहले कर्म करने में जो भी हमारे अंदर जो बैठो हमें दिखाई दे रहा है कि चारों पकड़ है मतलब उसको हाथ में परिवर्तन करना है तो जो दिखाई दे रहा है उसको अनुवाद मात्र करते हैं भविष्य भविष्य चावल को अपना भाग बना रहे हैं ऐसा कि यहाँ भी समझना चाहिए नहीं भेद वाक्यान कदाचित अभी मुख्य भेदार्थ भेद वाक्यों का कभी भी किसी भी समय में भेद को मुख्य रूप से दिखाना गहरी रूप संगत नहीं होता भेद वाक्यान कदाचित अभी मुख्य भेदार्थ मुख्य भेद को दिखाना रूप संगत नहीं होता स्वाभाविक अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित आत्मभेद वाक्यान ठीक है ना नैश्वर्मिक अविद्या से सभी जीवों को भेद देखना स्वाभाविक हो गया जिसे बोलते हैं स्वाभाविक अविद्या अविद्या से स्वभाव से ये अज्ञान है उसके द्वारा अज्ञान से प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित समस्त प्राणियों में अज्ञान से भेद ही दिखना मेरा अभ्यास हो गया है ना उस प्राणी की भेद दृष्टि की
अनुवाद वाक्य है मात्र, एक हो गया अनुवाद वाक्य। कौन सा? ये जो भेद दिखाने वाला श्रुति वाक्य अनुवाद वाक्य। सभी जीव जानते हैं कि मैं उनसे भिन्न हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, इस प्रकार से अलग अलग बोलते हैं। इसे बोलते हैं प्राणी दृष्टि अनुवादित्वा। प्राणी के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर जो पशु पक्षियों का दृष्टिता जो हमारा भिन्न है, पक्षी हमसे भिन्न है, पेड़ हमसे भिन्न है, भेद दृष्टि हमेशा बना हुआ है। देखो एक कुत्ता एक बंदर को देख करके चिल्लाता है, सुअर को देख करके रास्ते में कुत्ता भोंकियों को अपने से भेजा के वस्तु देखते हैं। प्रत्येक प्राणी में, केवल हम मनुष्य में नहीं, प्रत्येक प्राणी में भेद प्रस्वाभाविक है। अज्ञान से वही आए सूक्ष्म शरीर तो ही है, उसी का संस्कार है। श्रुते स्वाभाविक अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित आत्मभेद वाक्यान, आत्मा के भेद दिखाने वाले जितने वाक्य है ना, वो प्राणी की दृष्टि के अनुवाद करते हुए करते हैं। इसके पीछे भी कोई युक्ति है, इसके पीछे बहुत बड़ी युक्ति है। अभी तो आपने मैंने इसको पढ़ा, प्रजापति इंद्र विरोचन संवाद को पढ़ा, उसमें देखा प्रजापति ने इंद्र समझ नहीं पा रहा है, उसको ये नहीं कहा मूर्खानंद को समझ में भाग यहाँ से बोला, एक बार भी नहीं बोला। हाँ तुम ठीक बोल रहे, हाँ तुम ठीक बोल रहे, बैठो बैठो और 10 साल और 5 साल बैठो, तुमको समझ में आएगा। इस प्रकार करते 101 साल बैठा है। इसी प्रकार से श्रुति की अभिप्राय क्या है? हाँ हाँ तुम ठीक बोल, हमसे भिन्न है, हमसे भिन्न, हाँ तुम ठीक बोल, थोड़ा बैठो मेरे पास बैठो, धीरे धीरे समझ में आएगा। है ना, यदि हम पहले बोलते भिन्नता नहीं है, भाग यहाँ से, तेरे समझ में नहीं आता, कभी भी समझ में नहीं आता। एक तो बेचारा डर के हमारे भाग रहे साफ साफ करके, उस समय यदि हम बोलते हैं हाँ सब नहीं है, भाग यहाँ से, तो डर जाएगा और हमारा बात सुनेगा ही। इसलिए श्रुति की तात्पर्य इसमें है, हाँ जो बोल रहे ठीक बोल रहे, कोई बात ये स्वाभाविक है। और ये श्रुति को समझ में आता है, वेद को शायद ईश्वर से बना हुआ है, परंतु इसका कोई भिन्नता भी है। थोड़ा सा थोड़ा दिन बैठो तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा दिन बैठो तो समझ में आ जाएगा। इसे कोई व्यक्ति नया नया टीचर का सुन आता है, उनका तबीयत खराब होता है, पानी सूखते हैं, उसका हम लोग करते हैं चले यहाँ से बुलाए गए, थोड़ा बैठो और विश्वनाथ की कृपा से देखो, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, 2 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारा नहीं हुआ तो ना क्या बोलेंगे, तुम नाटक करो ऐसा बोलने से रहेगा, वो चले जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, हाँ सभी को, हम सभी को ऐसा ही हुआ, हम सभी को जब यहाँ या नए नए आए ना जाने क्या कितने शरीर में पड़ जाए, तो हम उसको झेल करके जब मानसिक नहीं रहूँगा या जो होगा लिखा जाएगा, तब भगवान कृपा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हम जानते हैं, जो परेशानी को हम झेल रहे हैं, उसको श्रुति अनुवाद करती है, नहीं तो कभी भी कोई श्रुति में प्रवेश नहीं कर पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सर्व प्राणी भेद दृष्टि अनुवादित आत्मभेद अनुवाद यह उपनिषद उत्पत्ति प्रलयादि वाक्य जीव परमात्मा ऐक्यत्व एवं प्रतिपादन। और यहाँ पे आकर के मतलब यह चतुर्वाणी भूतानि इत्यादि इत्यादि उपयुक्त अद्वैत प्रकरण नंबर की ठीक है ना, यह क्या कहना चाहते हैं, जतोवाइमानी भूत जितना श्रुति यहाँ पे उद्धृत किया भगवान भक्त चुका है, जतोवा इत्यादि उपयुक्त अद्वैत प्रकरण ऊपर में दिखाए गए इस अद्वैत प्रकरण में श्रुति वक्त आया हुआ है। इसे जो उपनिषद उत्पत्ति प्रलयादि वाक्य वहाँ पे क्या दिखाया, तस्मिन एव प्रलीयते, उसी में से लय प्राप्त करते हैं और उत्पत्ति हो तो उसमें लय भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि केवल उत्पत्ति कहता है इस पर ईश्वर को निमित्त कारण मानने वाला अनेक वादी है, परंतु अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानने वाला केवल वेदांती है। क्यों हम उपादान कारण मानते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कार्य अपने कारण में लय प्राप्त करते हैं, जहाँ से उत्पत्ति हुई श्रुति वहीं पर लय दिखाती है, इसलिए वो उपादान कारण नहीं है। इसलिए बोलते हैं यह जो उत्पत्ति उपनिषद उत्पत्ति प्रलयादि वाक्य उत्पत्ति प्रलयादि वाक्यों के द्वारा जीव परमात्मा ऐकत्व प्रतिपादन, देखिए इससे एकत्र प्रतिपादन करना चाहिए। जब तक आप तात्पर्य निर्णय निर्णय पर नहीं जाएंगे, आप क्या लगेगा सृष्टि को, श्रुति को सृष्टि प्रतिपादन करना चाहते हैं, अभी श्रुति को सृष्टि प्रतिपादन करना अभिप्राय नहीं है, क्योंकि सृष्टि में जितना जीव है सबका मूल कारण एक है। इसलिए ये जो भेद दिखाई पड़ते हैं भेद पारमार्थिक नहीं है, चाहे मृतिका से बने हुए बड़े घर छोटा घर कुल्ला तस्तर कुछ भी आप बनाओ, ये जो आपको व्यवहारिक दृष्टि से अलग अलग दिखाई देने पर भी ये मृतिका से भिन्न कुछ भी नहीं है। सुवर्ण के द्वारा बना हुआ कितना भी अलंकार आप अलग अलग बना लो, हाथ का नाक का कान का पैर का कितना भी बना लो, वो जो है सब में व्यवहारिक भिन्नत्व होने पर भी पारमार्थिक सुवर्ण में भिन्नता नहीं है। इस प्रकार से जीव ब्रह्म की एकत्र प्रतिपादन करना,
यह जो उपनिषद से उत्पत्ति प्रलय आदि वाक्य अधिक परमात्मा का एक कर्तव्य को प्रतिपा कैसे पता लगा आपको? देखो जहाँ पे बोला सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, वहाँ पर जाकर आगे क्या होता है? तत्त्वमसि, एक बार नहीं नौ बार, सजगेश अनिमा अलितमितगुण सर्वम सा आत्मा तत्सतम स्वात्मा इस प्रकार से नौ बार प्रतिपादन करते हैं। कोई सत्य है इन है अभ्यास का प्रतिपाद तो भाग यही है जो समझते हैं कि वो अलग है मैं अलग हूँ, वो तथा तो क्या है उसका नहीं है। अन्नवसो अन्नमस्मिन स वेद इत्यादि भी इस प्रकार वाक्यों के द्वारा श्रुति वेद की निंदा करके एकत्व को प्रतिपादन करना चाहिए। अतः उपनिषद सु एकत्व श्रुत्या प्रतिपाद ईशतम भविष्य भागने एक वृत्ति आश्रित लोके भेद दृष्टि अनुवाद भविष्य भविष्य विद्या गौण मूल में आपका 14 नंबर कारिका में देखिए भविष्य वित्तीय गौणम, ठीक है ना? भविष्य वित्ती से ये गौण है तो भविष्य वित्तीय दीदी अश्वर्थांतरम आ, ठीक है? वहाँ पे एक जो है ना एक क्या चाहिए, क्या चाहिए वहाँ पे? भविष्य वित्तीय, ठीक है ना? और तिथि क्या लोग बताओ? आपका के पास दिखा है तो एकार दिखेगा और तिथि में आपको किय इका हो गया और अश अर्थांतर हमारी स्पष्ट अर्थांतर को कहते बीच में किया चाहिए भविष्य वृत्तिया इति अश अर्थांतर आह भविष्य वृत्तिया गौण, ठीक है? मूल में जो आया हुआ है भविष्य वृत्तिया गौण उसका एक दूसरा अर्थ कह रहे भगवान का सुरा उसे बोलते इति अश अर्थांतर आह। अत इत्यादि अत उपनिषद सूर एकत्व एकत्वम श्रुत्या प्रतिपाद इषितम भविष्यति उपनिषद हो गए श्रुति के द्वारा एकत्व की प्रतिपादन करना अभिष्ट है क्या वो संभव हो जाएगा इति भाविनी एकत्व वृत्ति आश्रित्व आगे जो अभिभेद भेदात्मक वृत्ति है आगे क्या हो जाएगा एकात्मक वृत्ति होगा भाविनी एक वृत्ति आश्रित्व एकत्व वृत्ति को आश्रय करके लोके भेद दृष्टि लोक व्यवहार में जो भेद दृष्टि है उसको अनुवाद बिना श्रुति करते हैं वो गौण है वो पारमार्थिक नहीं है वो मत को मत अनुवाद भाग है। श्रुति के जब तक ये भी नहीं समझ पाएंगे ना एक अनुवाद भाग है एक प्रतिपाद्य भाग है क्यों कैसे निर्णय करेंगे आप? अनुवाद भाग कौन है प्रतिपाद्य भाग प्रतिपाद्य भाग कौन है कैसे निर्णय करेंगे आप? एक तात्पर्य सामान्य अनुवाद मतलब क्या होता है दोबारा बोलना अनुवाद मतलब क्या होता है स्वाभाविक है अश्रुति भेद भेद को जानने के लिए कोई शास्त्र पढ़ना नहीं पड़ता भेद बकरी चलाने वाला भी भेद अलग है मैं अलग हूँ अलग सभी व्यक्ति जानते हैं इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो अन्न प्रमाण के द्वारा जाना जाता है उसको यदि श्रुति कहती है तो वो हो गया अनुवाद भाग। जो अन्न प्रमाण के द्वारा जानी जाती है वो यदि श्रुति कहती है तो वो हो गया अनुवाद भाग। और जो अन्न प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता अनधिगत तो अबाधिक ज्ञान विषय जो उसके प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता और बाधित नहीं होता वो श्रुति का विषय है। अबाधित क्यों बोलना हो एक तो दुष्ट प्रमाण के द्वारा जाना जाते हैं अश्रुति अपने आप उसको निषेध बाधित बात कर देती है बात निषेध कर देती है अश्रुति इसलिए वो प्रामाणिक नहीं है वो प्रतिपादित उसको प्रतिपाद्य विषय नहीं है प्रतिपाद्य एकत्व। फिर फंडामेंटल लॉजिक्स यदि हमारे ये मन में बैठ जाता है तो आपको कभी भी भ्रांति नहीं होगा कभी कोई आपको मतलब आपके मन में निश्चय करेंगे हमारे लिए हमें इतना दिखाई दे रहा है ये कैसे हो सकता है भिन्नता कैसे हो सकता है इसलिए बोलते अथो उपनिषद सु एकत्व
शुद्ध प्रतिपिपादेशितम्, श्रुति के द्वारा उपनिषद में एकत्र को प्रतिपादन करना अभिष्ट है और ये आगे हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। क्यों इस एकत्र को नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि अंतकरण शुद्धि नहीं है, वासनाओं के द्वारा पीड़ित है और वांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए भेद ही देखता है। हमें ये हमारे लिए अभिष्ट वाकई है, ये हमारे लिए मनोरंजन के कारण है, इसलिए ये हमसे भिन्न नहीं, हम मानेंगे तब ये करते मनोरंजन होगा। आप इसी को इस प्रकार हमारे मनोरंजन करने वाले वस्तु को हम भिन्नता की मान्यता देकर उससे व्यवहार करना चाहते, इसलिए एक तो समझ नहीं आते। इसीलिए श्रुति जो है वो हमारी जो भेद बुद्धि को मान्यता दे करके पहले बोलते ठीक है इस कर्म को करो, शास्त्रीय कर्म करते करते अपनी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करते यदि आप इति अर्थांतरमाह यदि आप वहाँ पे स और त पढ़िए तब ठीक हो, अथवा भविष्य विद्या इति में एक किया जोड़ दीजिए बीच में, क्योंकि अर्थांतरम आप जैसे यदि आप वहाँ पे केवल मात्र क्रिया करेंगे सकार को तकार कर देंगे, सकार को तकार कर देंगे तो भी काम बन जाएगा, आप एक क्रिया करेंगे तो भी हो जाएगा। आपकी पुस्तक को संशोधन है या कैसे लिखा इतिहास? हाँ ठीक है, कोई मैं भी मदद नहीं करूँगा ऐसे इतिहास अर्थांतरम। तो आगे बोलते हैं दो नंबर भविष्य वृत्ता भाविनी एकत्तम भाविनी एक वृत्ति आश्रित, तीन नंबर टिप्पणी एकत्व वृत्ति। अब देखिए यहाँ पे भी जो है क्या लिखा है पुस्तक में, एक वृत्ति आश्रित भाष्य में क्या लिखा है, एक वृत्ति आश्रित भाष्य में क्या लिखा है, तीन नंबर टिप्पणी यहाँ पे लगा हुआ है, टिप्पणी में क्या लिखा जाए, तीन नंबर टिप्पणी लिखा रहा है एकत्व वृत्ति, यानी वहाँ के प्रभाव से नया छपने में कई गलती है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, वो जो आप एक वृत्ति मतलब वहाँ लिखा जाएगा एकत्व वृत्ति, एकत्व वृत्ति आश्रित करके टिप्पणी में क्या दिखाई देगा, एकत्व वृत्ति अबाधित एकत्व अवगति मिति अर्थ। जो देखिए अबाधित जो अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता और जो बाधित नहीं होता, श्रुति कभी भी एकत्व वृत्ति को निषेध नहीं करती है, मतलब द्वैत वृत्ति को निषेध करती है, इसलिए हमें बोलते हैं एकत्व वृत्ति आश्रित, एकत्व वृत्ति मतलब अबाधित एकत्व अवगति, जो एकत्व बोध अगर आपको एक बार उत्पन्न हो गया वो फिर बाधित नहीं होगा। तो अबाधित एक अनधिगत तो अबाधित ज्ञान विषय है ना, जो दूसरी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता और कभी बाधित नहीं होता, इस प्रकार की ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा जाता है। तो आपका वही जो ज्ञान को निषेध करती है श्रुति, श्रुति वह प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। तो तीन नंबर टिप फिर आश्रित लोके भेद दृष्टि अनुवाद, भेद लोके लोक सिद्ध भेद दृष्टि अनुवाद शास्त्र दिया, ठीक है चार नंबर टिप में ना, लोक सिद्ध लोक व्यवहार में सिद्ध है जो भेद दृष्टि उसकी अनुवाद कर लिया शास्त्र, उसका अनुवाद कर शास्त्र लोक सिद्ध भेद दृष्टि अनुवाद शास्त्र की अर्थ, लोक यहाँ पे लोक भेद दृष्टि अनुवाद शब्द ठीक है ना, मतलब लोक व्यवहार में सिद्ध है जो भेद दृष्टि उसका अनुवाद करने वाला शास्त्र। जितना हमको दूसरे प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, देखो स्वर्ग आदि कोई दूसरे प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है, स्वर्ग ब्रह्म लोग कोई दूसरे प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाएगा, उसके लिए कई एकमात्र शास्त्रीय प्रमाण है। इसी प्रकार आत्म एकत्व भी हाँ महापुरुष का अनुभव है, महापुरुष का अनुभव है, स्वर्ग से लेकर आगे कोई लोग नहीं बोलते कि मैं स्वर्ग में ये कर गया, परंतु जीवन मुक्त पुरुष दिखाई देते हैं संसार में, ये भिन्नता है पिता के भाग की बलवत्ता इसलिए है कि स्वर्ग से वापस होकर के ब्रह्म मुक्त से वापस होकर के कोई व्यक्ति आगे केवल शास्त्र प्रमाण का आधार पर ही जाना जाता है, जीवन मुक्त पुरुष संसार में दिखाई देते हैं बलवान है। इसलिए आप बोलते हैं लोके लोक यदि लोक यदि लोक सिद्ध भेद दृष्टि अनुवाद शास्त्र दृष्टि अनुवाद करने वाला शास्त्र, इसलिए अनुवाद भाग होने के कारण गौण है, इसीलिए इसमें प्रमुखता नहीं है गौण है, इसका अभिप्राय गौण एवं सत्य
सत्य अरुंधति अरुंधति परस्ता प्रदर्शित भविष्यति इति भाविनिं वृत्तिमास्तित्व पुरस्ता मिथ्या अरुंधति प्रदर्शनम यथा गौणमेव तद्वत् इति भाव। अत्यंत अरुंधति न्याय, अरुंधति न्याय मतलब शायद शादी के बाद क्या कहते और एक विशेष तारा को दिखाते हैं तो वहाँ पे वो तारा बहुत छोटी होती है। उस तारा को दिखाने के लिए पहले क्या करते हैं, तारा को नहीं कई तरह दिखेगा तब आप करो उसका आस पास ये बाहर के ऊपर दिखाई दे रहा उस बाहर के ऊपर पीछे देखो पेड़ दिखाना चाहता हूँ उस पेड़ की इस डाल को दिखाई दे रहा हाँ डाल दिखाई दे रहा उस डाल के पीछे देखो। इसको बोलते अरुंधति न्याय। ये जो शांत उपनिषद में अभी आ रहा है ना प्रजापति इंद्र शांत वहाँ पे चार स्टेप में बोला ना जय सक्षिणी पुरुष दृश्य थे जैसे स्वप्न महिमान कंचन स्वप्न पश्यति न कंचन सुचुक्त आगे क्या बोला अस्मान शरीर समुद्र पर जो चार स्टेप में बोला एक बात ही नहीं इसको अरुंधति न्याय माना। अरुंधति न्याय मतलब पहले इसको दिखाया फिर छाया पुरुष को दिखाया फिर स्वप्न पुरुष को दिखाया फिर स्वदय पुरुष को दिखाया फिर शुद्ध पुरुष को ऐसा वहां प्रतिपादन किया क्या नहीं। एक बार बार प्रजापति ऋषि एक ही शब्द बोल रहे आपको किसी को जो मैंने पहले बोल कर कैसा पुरुष बाद में समुद्रष्टा पुरुष बाद में सुयुक्त पुरुष ऐसा नहीं वो निर्विशेष पुरुष को मैं पहले भी बोला था आगे भी किसी को बार चार बार एक ही बोलते हैं ये अरुंधति न्याय हमारे यहाँ पे नियमन पर कोई कहता है ये अरुंधति न्याय जैसे प्रतिपादन किया यहाँ पे सत्य अरुंधति परस्ता प्रदर्शित भविष्य जो सही अरुंधति है उसके बाद में प्रदर्शन कर दूंगा मैं। इस प्रकार सत्य अरुंधति परस्ता प्रदर्शित भविष्य भाविनी वृत्ति मास्तित्व भावी वृत्ति को आश्रय करके पुरस्कार मिथ्या अरुंधति प्रदर्शन जाता जैसे पहले मिथ्या अरुंधति को दिखाना गौण होता है इसी प्रकार से यहाँ भी गौण वृत्ति से भेद को कहती है उसकी गौण वृत्ति से उसकी भेद कहती है लेकिन अभी एक अर्थ करके फिर दूसरा बोलते हैं उसी में भेद में तो पहले क्या भेद वृत्ति को बोला आगे उपग्रह को समझे अथवा दूसरा बोलता है तद ऐक्षत तद तेज अस्य यत इत्यादि उत्पत्ति प्राक उत्पत्ति से पहले क्या प्रतिपादन किया सदैव संवेदमग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम अतः उत्पत्ति स्तुति से पहले एकत्व को प्रतिपादन किया और बाद में भी एकत्व को प्रतिपादन किया इसीलिए तो तब सप्तम सातमा तक उसके बीच में जो भेद दिखाई दिया है वो भेद गौण है। उपनिषद भाग में अब जो है कर्मकांड भाग और उपनिषद भाग को लेकर के कर्मकांड में भेद गौण है और उपनिषद हमने एकत्र प्रतिबंधन करें इसे हो सकते हैं और बाद में उपनिषद भाग में उपनिषद में जहाँ कहीं सृष्टि की प्रतिपादन की गई वहाँ पर सबसे पहला भाग को आता है फिर उस एकत्व को समझाने के लिए उसके ऊपर अध्यारोप करते हैं फिर अध्यारोप वस्तु का निषेध करके उस सत्य को प्रतिपादन करते हैं। अथवा तब एक शत स्वयं दो तीन छात्र को प्रतिशत जो अस्सी वही है इत्यादि उत्पत्ति प्राप्त उस प्रकार उत्पत्ति से पहले क्या दिखाया एकमेव अद्वितीय सदैव संवेदम अग्रे आशीत एकमेव अद्वितीय से दो दो चंद्र को सिद्ध यदि एकत्र प्रकृतम एकत्र को प्रतिपादन करें फिर तदेव चा दो एकत्र शुरू में मत देखना किया तो कुछ धर्म से दोहराते हैं फिर होते तदेव चा तत् सत्यम स आत्मा तत्व से एकत्र भविष्य है ना इस एकत्र को आगे भी बात प्रतिपादन करेंगे काम भविष्य वृत्ति अपेक्षा उस भविष्य भविष्य वृत्ति को अपेक्षा करके जब जीवात्मा ने पृथकतम जो जीवात्मा के परमात्मा को अलग करके दिखाया था जब जो कचित वाक्य गम्यमान हो जिस किसी भी वाक्य में इस प्रकार भेद प्रतिपादन करते हैं तब गौणम वो मुख्य नहीं हो सकता तथा बोधनम पचती तत्व जिस प्रकार कोई कहते हैं भात को पकाता है भात भात में होने वाला है इस प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए ठीक है। ये श्रुति वाक्य भी तात्पर्य किसमें है इसको समझाने के लिए अगला कार्यक्रम और बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कि जो पहले बोल कर गया था कल परीक्षा में करते जो अस्तित्व उसका पहले क्या कहते थे एक कमेव अद्वित तदेव जो एक कमेव अद्वित सत को कहा था तदेव जब तक
सत्य वही सत्य सत्य ऐसा आत्मा वही तुम्हारा स्वरूप है, तुम वही व्यापक तत्व एकत्म भविष्य के दो नंबर टिप्पणी भविष्य अवगतम विशेष भविष्य आगे ये होगा ये समझ में आता है ये दो नंबर भविष्य आगे एकत्म अज्ञात भविष्य मतलब अवगतम आगे जाकर के समझ में आएगा भविष्य वृद्धि अपेक्षा आगे की वृद्धि को अपेक्षा करके भविष्य वृद्धि अपेक्षा मतलब भविष्य वाक्योत्थ बाध वृद्धि अपेक्षा तमित्त विधि जाकर वाक्यों में वाक्योत्थ बाध वृद्धि हमें बाध समानाधिकरण है जो जीवत्व को बाध करके शिवत्व अभिव्यक्त होता है मतलब शिवत्व जब अभिव्यक्त होगा तो जीवत्व बाधित होगा ये बाध समानाधिकरण है यद्यपि एक को ये समानाधिकरण कितना प्रकार होता है चार प्रकार की क्या क्या और ऐत संबंधी ये तत्वशी महाभक्त में हमारे सुरेश्वराचार्य ने चारों प्रकार के सामान्य अधिकरण में लिखा ऐक समाधिकरण मुख्य समाधि को हमारे वेदांत क्षेत्र में बाद समाधिकरण अज्ञान दशा को लेकर के बोलते हैं और विशेष विषय समाधिकरण किसके बोलते हैं मैंने को अभिन्नता को दिखाने के मतलब क्या होता है जिस प्रकार की नील और कमल जो एकदम अलग वस्तु है परंतु दोनों जब आप एक साथ मिलकर के एक ही वस्तु का प्रतिपादन करते हैं इस प्रकार कम खम ब्रह्म कम खम ब्रह्म कम मतलब सुखम और खम मतलब आकाश ठीक है ना मतलब ये दोनों के द्वारा ब्रह्म को विशेषित करते हैं मतलब कम को खम के द्वारा विशेषित किया और खम को कम के द्वारा विशेषित किया सुख को आकाश के द्वारा विशेषित किया कम खम ठीक है ना तदेव कम तदेव खम मतलब जो सुख है वो आकाश की तरह व्यापक है हो क्या जाएगा वो सुख आकाश परिच्छिन्न सुख के अनुभव हमारे पास है व्यापक सुख का अनुभव नहीं वो व्यापक सुख ही ब्रह्म है ठीक है ना अखम शब्दों के द्वारा हमारे प्रकृति वाला क्या होता है आकाश परंतु वो भूताकाश नहीं है हम भूताकाश को नहीं कहना चाहते किस आकाश को ना सुख आकाश को कहना चाहते कम कम वो जो सुख आकाश है वो ब्रह्म है जो सुख स्वरूप है वो ब्रह्म है इसको प्रतिपादन करने के पुस्तक को विशेष विशेषण लेकर अब तत् और तम इस पद में तम पद में हमेशा परिच्छिन्नता की प्रतीति होती है और तत्पद में हमेशा परक्षत्व की प्रतीति होती है तद मतलब वो और तम मतलब परिच्छिन्न जब तम को तत् के तरह बीच बंद भगवान व्यापक है ये तो सबके मान जाता है परंतु भगवान दूर में परंतु जब तम को तत् के तरह विशेषित कर देते हैं तब क्या होता है ये तम में व्यापकता आ जाता है और तत् को जब अंक के तरह विशेष कर देते हैं तब उसमें परोक्ष उठाट करके अपरोक्ष हो जाता है अरे समझ में एक दूसरे के विषय विशेषण भाव करने से क्या होता है कि जब आप तम को तत् के तरह विशेषित करेंगे तो क्या हो जाएगा जो तम में परिच्छिन्नता बुद्धि थी वो परिच्छिन्नता बुद्धि अति व्यापकता आ जाएगी और तत् को जब तम के तरह विशेषित कर देंगे एक विषय तम में हमेशा अपरोक्ष तो बैठा हुआ है मैं आपके बताता हूँ तो तत् में व्यापकता में अपरोक्ष आ जाएगा इस प्रकार से इस प्रकार से यहाँ पर जो तत्वमसी महाभारत में भविष्य विद्या वृत्ति अपेक्षा जब जीवात्मा में पृथक और जीवात्मा के जो परमात्मा में पृथक भाव है जब तक कठिन बात की गंभीर किसी भी बात को समझ में आता है तब गौणम वो पारमार्थिक नहीं है वो मुख्य गौण वृत्ति से कहा गया है तथा ओदनम पचती है जैसे कोई कहता है कि भात को पकाता है हाथ को नहीं पकाया जाता चावल को पकाता है इस प्रकार से यहाँ तो दो नंबर टिप्पणी में देखिए भविष्य अवगत में दिशा से आगे जाकर हो गया समझ में आता है भविष्य वृत्ति अपेक्षा भविष्य वाक्योत्थ बाध वृत्ति अपेक्षा मैं यहाँ से घूम गया था तीन प्रकार के समानाधिकरण होते हैं चार प्रकार के समानाधिकरण होते हैं एक हो गया अध्यास समानाधिकरण अध्यास एक होता है आपका जानबूझ के अध्यास और एक होता है अज्ञान से अध्यास अज्ञान के अध्यास भ्रांति से होता है हमें बाद समानाधिकरण होता है और जानबूझ के यहाँ पर अध्यास किया जाता है उपासना आदि है वो अध्यास और फिर विशेष विशेष समानाधिकरण जैसा हमने बताया और यहाँ पर समानाधिकरण फिर आपका ऐक्य सामान्य मुख्य समानाधिकरण जो होता है ना वो क्या होता है कि प्रतिष्ठ प्रकाश चंद्र भूदेव ब्राह्मण तभी प्रतिष्ठ प्रकाश चंद्र यहाँ पे सामान्य मतलब एक ही अलग अलग एक सामान्य अधिकरण किसको बोलता है
अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ शब्द जब एक ही विभक्ति वचन में प्रयोग करते हैं तब वो एक वस्तु का बोधक होता है, तब वो एक अखंड वस्तु का बोधक होता है। नील एक रंग अलग है और कमल एक अलग है, और दोनों को जब हम एक साथ मिला के प्रयोग करेंगे तब एक नील उत्पन्न वस्तु का प्रतिपादन होता है। तो ईश्वर की शब्द अखंड वस्तु का प्रतिपादन, तब तो उसी भागवत हो जाएगा एक अखंड व्यापक तत्व का प्रति अपरक्ष व्यापक तत्व का प्रतिपादन। ऐक्य समाधि का मतलब इन दोनों में पारमार्थिक भेद है ही नहीं, तत्व वही हो। हमारे वेदांतिक मुख्य सिद्धांत क्या है कि तत्वश में ऐक्य समाधि कर, ऐक्य समझो तत्व है वही तम, अज्ञान दृष्टि में बात समाधि कर समझने के लिए विश्व विश्वास ठीक है। अब कोई व्यक्ति इसको अर्थ समाधि का माना हुआ है मतलब तस्य तमसी तुम अभी नहीं हो, तुम तम बनो उपासना करो, भविष्य संपिपाद ईशया एव जत्र वचन पृथकत्व वचनम गौणम एव इति भाव। जो भी एक मंत्र थी अभेद को प्रतिपादन करने के लिए भेद को कहना, भेद की अभाव हो गया अभेद और अभेद की अभाव हो गया भेद, इससे दोनों में प्रतियोगित्व है इधर भेद और अभेद में। हाँ बात इतना ही है, भविष्य बाद वृत्ति अपेक्षित भविष्य की बाद वृत्ति की अपेक्षा करके प्रतियोगी संपिपाद विषय उस प्रतियोगी मतलब तो पहले क्या लिखा है आगे ये भेद बाधित हो जाएगा, इसलिए अभेद को संपादन करने की इच्छा से भेद अलग प्रतियोगित है संपिपाद ईश्वर एवं यत्र कचो जिस किसी भी स्थान में पृथक वचन ये भेद करके कहा गया है गौण में वही थी वो गौणी है इसकी भाव केवल यहाँ पे एक शब्द जो प्रतियोगी संपिपाद विषय में प्रतियोगीकरण क्या हो जाएगा अभेद क्योंकि भेद की मदद कर रहा है भेद और अभेद में प्रतियोगी तो है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा भविष्य बाद वृत्ति अपेक्षित भविष्य बाद वृत्ति को अपेक्षा करके प्रतियोगी संपिपाद विषय मतलब अभेद की संपादन करने की इच्छा से एव उसी के कारण से यत्र वचन जिस किसी भी स्थान में पृथक वचन भेद की वचन किया गया गौण में मतलब की भाव है इसके अंदर भाव व्यवहार चावल में भात शब्द प्रयोग करना गौण प्रयोग होता है तंडुलेशु तंडुल मतलब चावल में और ओदन व्यवहार जो भात की व्यवहार करते हैं तथा गौण तथा अभेद भेद व्यवहार उस प्रकार अभेद में जो भेद व्यवहार करते हैं ये गौण है इतना मात्र समझना अभेद में जो भेद व्यवहार करते हैं गौण है व्यवहारिक है जिस प्रकार चावल में भात व्यवहार करना कल इसको कल अवकाश होगा कल अष्टमी है अष्टमी है ना कल अष्टमी है कल अष्टमी होगा कल अवकाश होगा बस नमस्कार होगा लास्ट कल लास्ट कल क्या होगा शांति शांति।